बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दूसरा पार्ट बना रहे हैं इस वीडियो का कि फर्स्ट सीन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के इब्तदा में क्या 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 चीज़ें हुए, वो तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में जनरल नॉलेज का पार्ट टू बना रहे हैं। तो शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। आप पार्ट वन पहले देख लें, फिर आप पार्ट टू को देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत ही मतलब कि यूनिक चीज़ें बनाई हैं, ये इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देंगी और आपके आर्मी एयरफोर्स आर्मी और नेवी के एडमिशन में आपको फ़ायदा देंगी, और आर्मी नेवी और एयरफोर्स के इंटरव्यू में, ISSB के इंटरव्यू में आपसे ये पूछी जाती है ये चीज़ें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो वीडियो शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन हु रिसीव निशाने हैदर कैप्टन राजा सरवर। सबसे पहले निशाने हैदर कैप्टन राजा सरवर को मिला फर्स्ट लेडी मेजर जनरल इन पाकिस्तान डॉक्टर शहदा मलक थी। सबसे पहले जो मेजर जनरल थी वो डॉक्टर शहदा मलक थी। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वो कह रहे थे मोहम्मद अली जनाह थे। फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाब लियाकत अली एन खान थे। और फर्स्ट इलेक्टिक प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान। फर्स्ट वाइस प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान नूरुल अमन थे। मतलब कि ये एक ही प्रेसिडेंट थे, इसके अलावा कोई प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बने ही नहीं। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सरदार राशिद। और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार हुसैन महमूद। पंजाब के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इफ्तिखार हुसैन महमूद। फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ सिंध अयूब खोरो। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध अयूब खोरो थे। और उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद जो है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा वो थे डॉक्टर खान साहब। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान थे वो सरदार अताउल्ला मेंगल थे। फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब सरदार फ्रांस मोडी थे। फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब सरदार अब्दुल रब नाशिद थे। फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध गुलाम हुसैन हदायतुल्ला थे। और इसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा बाज सरदार जॉर्ज थे, सर जॉर्ज थे। और उसके बाद मुस्लिम गवर्नर ऑफ केपी के शहबाज मोहम्मद खुर्शीद थे। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रियाज हुसैन थे। फर्स्ट गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान शमाम खालिद थे। फर्स्ट जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल मोहम्मद शरीफ थे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद जो है फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी जनरल फ्रैंक मिस्त्री थे। कमांडर चीफ फर्स्ट मुस्लिम कमांडर चीफ ऑफ आर्मी जनरल मोहम्मद जनरल अयूब खान थे। और फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ एयर फोर्स एयर वाइस मार्शल एलन पैरी थे। और फर्स्ट मुस्लिम कमांडर चीफ ऑफ एयर फोर्स एयर मार्शल असगर खान थे। फर्स्ट कमांडर चीफ नेवी रियर एडमिरल जेम्स वेलफ्रेड थे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद मुस्लिम कमांडर इन चीफ ऑफ नेवी हाजी मोहम्मद सदीक थे। फर्स्ट जो क्रूज मिसाइल हदव हतव बाबर अगस्त 2 2005 में लॉन्च हुआ। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनफोर्स 23 मार्च 1956 ने। सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 23 मार्च 1956 में लगा। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स ऑन 8 जून 1962 में हुआ। और थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स, मतलब थर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 14 अगस्त 1977 से लागू हुआ। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज सरदार जफरुल्ला खान थे। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान व FM खान थे। फर्स्ट चीफ साउथ स्काउट कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान व कायदे आजम थे। फर्स्ट SOS विलेज ऑफ पाकिस्तान लाहौर में है वो 1977 में। पाकिस्तान फर्स्ट प्राइवेट चैनल STN 1990 में है। इसमें जो सवाल रिपीट हो रहे हैं उनका मैंने वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने रिपीट किया है।
तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। उसके बाद फर्स्ट पाकिस्तानी पोस्टल स्टैम्प इशू बाय इशू जुलाई 1948 में, सबसे पहली जो स्टैम्प पाकिस्तान ने इशू की थी मतलब कि दी थी वो 1948 में। फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव ब्रिज जो पाकिस्तान सखर ब्रिज था 1932 में। फर्स्ट डीएनए टेस्ट लिबर्टी इस्लामाबाद में, सबसे पहले डीएनए टेस्ट की लिबर्टी मतलब खून के टेस्ट की वो इस्लामाबाद में मार्च 2006 में बनी। मोटरवे ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट मोटरवे ऑफ पाकिस्तान कंस्ट्रक्टेड इन 1997 इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे। फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पाकिस्तान जाहिद हुसैन थे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट पाकिस्तानी पोस्टल स्टैम्प इशू जुलाई 1948, ये भी बहुत अहम सवाल था इसलिए मैंने बता दिया। और इसके बाद जो आना है वो है फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज इन पाकिस्तान 7 अक्टूबर 1958, मतलब सबसे पहला जो मार्शल लॉ लगा था वो 7 अक्टूबर 1958 में लगा। फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम हफीज खरदर थे। फर्स्ट फीमेल चांसलर इन पाकिस्तान बेगम राणा, मतलब कि जो सबसे पहले गवर्नर थी वो राणा लियाकत अली थी। फर्स्ट फीमेल औरत, फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर इन पाकिस्तान वो नजम नजराना नजम मेरे ख्याल। फर्स्ट फीमेल यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान फातिमा जना वुमेन यूनिवर्सिटी जो है। उसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट वुमेन पायलट इन पाकिस्तान शुक्रिया खानम था। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान चौधरी मोहम्मद अली। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कराची वो सैयद हाशिम रजा थे। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कराची मतलब कराची को के पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव थे वो सैयद हाशिम रजा थे। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट हबीबुल्ला खान थे। प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ऑफ पाकिस्तान कायदेआज़म थे, मैं सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके सबसे पहले प्रेसिडेंट कायदेआज़म थे। फर्स्ट फीमेल डिप्टी स्पीकर इन पाकिस्तान बेगम जहनारा शहनवाज था। फर्स्ट फीमेल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बेगम महनूदा सलीम खान था। फर्स्ट प्राइवेट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान हजवेरी एयरलाइन थी। फर्स्ट पब्लिक एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान ओरिएंट एयरलाइन थी। फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज कराची था। कराची सब पाकिस्तान का पहला कैपिटल था, ये भी बहुत अहम है। उसके बाद फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ पाकिस्तान कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 1972 में बना। फर्स्ट टीवी स्टेशन लाहौर में है। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट हबीबुल्ला खान थे। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट इन पाकिस्तान माजदा रिजवी थी। फर्स्ट स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली मौलवी तमीज उल दीन थे। उसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट स्पोर्ट चैनल ऑफ पाकिस्तान जियो सुपर जियो था जो स्पोर्ट चैनल जो सबसे पहले पाकिस्तान में, पाकिस्तान सबसे पहले नोबेल प्राइज वो लिया था डॉक्टर अब्दुल सलाम ने 1979 इन फिजिक्स। और फर्स्ट पाकिस्तानी हु रिसीव लेन इन प्राइज फैज अहमद फैज थे 1961 में। और फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान बेनजीर भुट्टो थी। और यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बेनजीर भुट्टो थी, ठीक है। यही आज की वीडियो थी, ये बहुत ही अहम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे जो मैंने आज आपको बता दिए हैं। इसके बाद जो दो रहते हैं वो भी बता देता हूँ। फर्स्ट स्पीकर नेशनल असम्बली फहमीदा मिर्जा थी। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो थे गुलाम मोहम्मद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये इंटरव्यू वगैरह में और ये तमाम टेस्ट में पूछे जाते हैं, सीएसएस में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको बहुत ही फायदा देंगे। तो आपने ये तैयार करके निशल नेवी आर्मी में पूछे जाएंगे। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं इस चैनल पे अपने फोर्सेस के मुतालिक मवाद मुहैया करता हूँ और इंफॉर्मेशन जॉब के मुतालिक बताता रहता हूँ। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इससे दूसरे बच्चों का फ़ायदा हो सके। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।